हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल कुक विद गॉर्डी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे राजस्थान की एक बहुत ही फेमस बेसन गुठला करी। जब भी घर में कोई सब्जी ना हो या आप झटपट से कोई यमी सी टेस्टी सी सब्जी बनाना चाहते हो तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आधा कप बेसन। तो ये मैंने आधा कप बेसन ले लिया। अभी हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी, हल्दी भी हमने 2 पिंच के करीब डालनी है, और इसी के साथ थोड़ी सी हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, और ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ हरे धनिए का पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ध्यान रखना हमने पानी एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना। गांठें इसमें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, जैसे हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करते हैं वैसे ही हम ये बना लेंगे। तो इसको रखते हैं हम एक साइड पे, और ये मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया। और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाला कुकिंग ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें जो सरसों का तेल डाला है, 1 चम्मच हमने इसमें डाला है जीरा, और थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें 1 चुटकी के करीब हींग। तो जीरा और हींग को हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट होने देंगे, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं जिनको बीच में से ऐसे कट लगा लिया है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने जो है पेस्ट लिया है, इसमें हमने 1 बड़े साइज़ का प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा अदरक का, और मैंने 7-8 कलियाँ जो लहसुन की डाली थी, और 2 हमने इसमें डाले थे बड़े साइज़ के टमाटर। तो उसको मैंने ग्राइंडिंग जार में एक बार अच्छी तरह से चला लिया था। तो ये हमने इसमें डाल दिया है, और मसालों के इसकी के साथ हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे लाल पिसी हुई है जो मिर्ची, और साथ में डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच छोटे वाला हल्दी का। तो इन सबको भी हम इसी के साथ जो हमने प्याज टमाटर का मिक्सचर तैयार किया था उसी के साथ हम इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे, और तब तक भून लेंगे जब तक मसाले और ये हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से भून नहीं जाता। ये देखिए, इसने अब तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी नमक। नमक हमने पहले बेसन में भी डाला था, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें है जितना भी आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मसाला है जो हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो ये हमने 1/2 कप लिया है दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अभी हमने इसमें दही डालना है। ध्यान रखना दही एकदम से सारा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दही डालेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम इस टाइम पे मैंने ज़्यादा रखा है, और लगातार इसको चलाते रहना ताकि दही है जो वो फटे ना, इससे मसाला जो हमारा वो सारा फट ना जाए। तो हमने इसको ऐसे लगातार चलाते रहना। ये देखिए, दही इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। ये देखिए, अब इसमें एक उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी, और साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ, ये 1 से 1.5 कप है मैंने इसमें पानी डाला है। आप इसकी ग्रेवी जैसी भी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा पतली बनाना चाहते हैं तो पानी ये जो 2 से 3 कप भी इसमें डाल सकते हैं। तो जैसी भी आप ग्रेवी बनाना चाहें, पतली या गाढ़ी, उतना इसमें पानी डाल लीजिए। मैंने 1 से 1.5 कप इसमें पानी डाला है, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ साथ में कसूरी मेथी। इसके बाद हम इसको ऐसे अच्छी तरह से इसमें एक बॉयल आने देंगे, और मैंने इसको जो अच्छी तरह से जब तक बॉयल नहीं आया तब तक पका लिया है। इसके बाद जो हमने बेसन रखा था, अब 10 मिनट के करीब हो चुके हैं, वो भी फूल चुके हैं। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके चम्मच की हेल्प से उसको इस ग्रेवी में डालते जाएंगे। ये देखिए, गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। ये जो हमारा ग्रेवी है ये ठंडी नहीं होनी चाहिए, इसमें बॉयल आना चाहिए, ऐसी उबलती हुई होनी चाहिए जब इसमें हम बेसन डालेंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम दूर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसमें बेसन डालते जाएंगे, और शुरू में हमने इसको हिलाना नहीं है। ये देखिए, अपने आप ही जब पानी ऐसे उसमें ग्रेवी में बॉयल आता है ना, तो बेसन एकदम से ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, सारा जितना भी था बेसन मैंने इसमें डाल दिया था, और थोड़ी देर में ये देखिए बहुत ही अच्छे हैं जो बेसन के इसमें गुठले बन जाते हैं। ये देखिए, अभी हम इसको 8-10 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, ये भी इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर तक ऐसे ढककर
पकने देंगे। एक बार इनको अच्छी तरह से मिला देंगे, उसके बाद इसको ढककर हम थोड़ी देर पकने देंगे। बहुत ही यमी ये रेसिपी बनती है और ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता बनने में, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर ये सब्ज़ी बनाई तो वो कैसी बनी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो ये देखिए सब्जी हमारी है जो बनकर बिल्कुल रेडी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया, देखिए कितना प्यारा इसमें कलर आया है। तो ये लीजिए हमारी राजस्थान की बहुत ही फेमस बेसन गुठला करी है जो वो बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसको चाहें तो चावल के साथ या चपाती के साथ, परौंठों के साथ, सबके साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी हमने इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया सर्विंग बाउल में और ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितने अच्छे इसमें बेसन के गुठले बने और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और खाने में बहुत ही यमी बनते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।